नहीं देखिए, 8वीं क्लास तक के सारे बच्चों को हमने पास कर दी ना, अब पेपर लेना संभव नहीं है, इसलिए हमने उन दोनों क्लासों को, 10th को और प्लस वन को, जो उनके एवरेज नंबर हैं जो पिछले पेपर दिए, उतने ही नंबर हमने इन सब्जेक्टों में उनके मान के उनको अगली क्लास में भेज देंगे, उनका एडमिशन अगली क्लास में हो जाएगा, ये हमने निर्णय ले लिया। प्लस टू का निर्णय अभी तक हमने नहीं लिया है, क्योंकि उनके पेपर कुछ रहे हुए हैं, एनसीईआरटी की जो सिलेबस जो है एनसीईआरटी का है, उसमें बातचीत करके उसके बाद निर्णय लेंगे। नहीं बच्चों की तरफ से तो नहीं, लेकिन ये असल में पहले भी जो 8वीं क्लास तक था कोई बोर्ड नहीं था, यही नियम था कि सारों को पास करते थे, लेकिन जरूरत ये समझी गई थी कि अब की बार हम 8वीं का बोर्ड बनाएंगे, और हमने 8वीं का बोर्ड बना दिया था कि अब की बार बोर्ड के पेपर होंगे, लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की होगी तो कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और हमने कहा कि अब की बार तो नहीं करते, सभी बच्चों को पास कर देते हैं और अगले साल से फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सही है कि प्रेशर तो होगा, लेकिन ये एक इस टाइप की परिस्थिति है बिल्कुल, जिसका कोई अनुमान नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन अब वो परिस्थितियाँ बन गई, तो अब हमारा पूरा प्रयास है कि हम सही तरीके से बच्चों को गाइड कर सकें, लेकिन अगर कोई भी थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी, चाहे भले ही हमने ओवर टाइम लगाया के भी बच्चों की एजुकेशन का प्रयास करेंगे कि उनके किसी प्रकार की कोई कमी रहने देंगे, भले ही ठीक होने के बाद चाहे ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं करना, कोई डिप्रेशन में नहीं आना बच्चों को, जिन बच्चों के पेपर रहे भी रहे उनको भी डिप्रेशन में नहीं आना, और हम बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक बच्चों के उस विचार भी करेंगे, और मेरा निवेदन यही है कि उनको पढ़ना चाहिए, घर पर जो पुस्तकें उनके पास हैं उनसे पढ़ना चाहिए, कुछ उनके माता पिता भी उनकी हेल्प करेंगे, उनके बड़े भाई उनकी बड़ी बहन वो भी उनकी हेल्प करेंगे, और कुछ हेल्प हम भी उनकी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आपने जो शिक्षा मंत्री के सुना होगा, शिक्षा मंत्री ने क्या किया मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो फर्स्ट लेके एट क्लास के सारे स्टूडेंट उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया, फर्स्ट लेके एट क्लास के स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया, जो नाइन्थ और इलेवंथ क्लास के बच्चों उनको एवरेज मार्किंग दी जाएगी, उनके मिड टर्म एग्जाम हुए थे, प्रोडक्ट टेस्ट हुए थे, उनके बेसिस पर उनके एवरेज मार्किंग देकर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। या आपने शिक्षा मंत्री को सुना, मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं बता रहा, मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूँ जो शिक्षा मंत्री की तरफ से आई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाइन्थ और इलेवंथ क्लास को उनके एवरेज मार्किंग देगी प्रमोट कर दिया जाएगा, ये आपने सुना ही होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, टेंथ और ट्वेल्थ का मैं बताना चाहता हूँ, टेंथ और ट्वेल्थ का बोर्ड जरूर होगा, क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ के लिए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेंथ और ट्वेल्थ क्लास की अगर क्लास किसी में एडमिशन लेना होता है, टेंथ वाले को लोग को पॉलिटेक्निक करनी होती है क्या और कोई कोर्स करना होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं बोर्ड की मार्कशीट, और ट्वेल्थ वालों का भी होता है, उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए IIT होगा, GE होगा, NEETs हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी करनी पड़ती है, उनके लिए मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए उनका एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट किया जाएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिए। जब लॉकडाउन खुलेगा 3 मई के बाद, जब लॉकडाउन खुलेगा आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, लिखते रहो हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट्स।